सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी के आगे के दो अक्षर पढ़ेंगे और लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ दो चित्र बने हैं। यहाँ एक पैर बने हैं और पैर की इस चीज को क्या बोलते हैं? एड़ी। और ये क्या है? ऐनक। हमारे सबके घर में होती है ना, मम्मा के पास, पापा के पास। ए एड़ी, ए ऐनक। लिखने में इन दोनों अक्षरों में भी बहुत समानता है, परंतु ध्वनि का अंतर है। शुरू करते हैं ए एडी। जैसे देखो, आपने यहाँ से शुरू करना है, एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन डालनी है ऐसे, फिर यहाँ से इधर एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है और नीचे वाली लाइन को टच करके, उसके बाद थोड़ी सी दूरी पे दोबारा से एक उतना ही स्मॉल वन बनाना है और एक अंदर की तरफ छोटी सी स्लिपिंग लाइन, फिर इसको ऊपर से स्लिपिंग लाइन। ये क्या बन जाएगा? ए एडी। एक बार फिर से बनाते हैं। स्मॉल वन बनाया, फिर स्लैंटिंग लाइन बनाई और टच कर दिया नीचे लाइन को, फिर एक और इधर स्मॉल वन बनाया और फिर तो छोटी सी अंदर स्लीपिंग लाइन ऐसे, फिर ऊपर से भी हमने स्लीपिंग लाइन बना दी। तो ये क्या बन गया? ए एडी। ध्यान रखना है कि इस लाइन को, जो ये स्लीपिंग लाइन है, इस लाइन के साथ टच नहीं करना, ठीक है। अब आगे हम बनाते हैं ए ऐनक। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले वन डाला, स्लैंटिंग लाइन, फिर थोड़ी दूरी पे एक और वन डाला, फिर स्लीपिंग लाइन अंदर की तरफ और छोड़ देना। इसी तरह हमने ए एडी बनानी है। और ए एडी बनाने के बाद जो ये स्मॉल वाली इधर वाली लाइन है ना, इसके ऊपर से हमने ऐसे ए की मात्रा बनानी है ऐसे। ये क्या बन जाएगा? ए ऐनक। एक बार फिर से देखते हैं। वन डाला छोटा सा, स्लैंटिंग लाइन, फिर थोड़ी दूरी पे फिर वन डाला और अंदर की तरफ स्लिपिंग लाइन छोटी सी, ऊपर से स्लिपिंग लाइन बन गया और इधर से एक हम मात्रा डालेंगे ऐसे। ये क्या बन गया? ए ऐनक। तो देखा आपने, दोनों अक्षर लिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इनकी ध्वनि का अंतर है। ए एड़ी, ए एड़ी, ए ऐनक, ए ऐनक। आपने अब घर पर इन दोनों अक्षरों का अभ्यास करना है, ठीक है। धन्यवाद।